Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है. अगेन यहाँ पर आपको नंबर को फॉर्म करना है और किस तरह से फॉर्म करना है देखते हैं. इन हाउ मैनी वेज वी कैन फॉर्म, इन हाउ मैनी वेज वी कैन फॉर्म. फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में जो है अ थ्री डिजिट नंबर, सेकेंड पार्ट में जो है दिस इज अ फोर डिजिट नंबर, एंड द नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में है अगेन फोर डिजिट बट इवन नंबर, फोर डिजिट इवन नंबर. फर्स्ट पार्ट में आपको थ्री डिजिट नंबर्स बताने, फोर्थ सेकंड में फोर डिजिट नंबर, एंड थर्ड में फोर डिजिट बट इवन, फोर डिजिट प्योर इवन फ्रॉम द डिजिट्स. और आपको जो डिजिट दिए गए हैं जिनसे आपको गिवन डिजिट से बनाना है, ये वो नंबर क्या है, वो डिजिट्स क्या है. द डिजिट्स आर 1, 3, 6, 7, 8, 9. देखिए फर्स्ट वाला पार्ट में यहाँ पे स्टार्ट कराता हूँ. दिस फर्स्ट पार्ट में आपको जो है यहाँ पे थ्री डिजिट का नंबर जो है फॉर्म करना है. तो थ्री डिजिट का नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे, थ्री डिजिट को नंबर फॉर्म करने के लिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर तीन प्लेसेस जो है फिल करने होंगे, वंस का, टेंस का और हंड्रेड का. वंस वाला प्लेस, टेंस वाला प्लेस और हंड्रेड वाला प्लेस. नाउ स्टूडेंट यहाँ पर रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, Until and unless, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन कर सकते हैं, तब तक आपको नॉन रिपीटेशन वाला केस ही मानना होगा. तो यहाँ पर नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है. जब तक आपको लिखा ना हो तब तक आप रिपीटेशन वाला केस नहीं मानेंगे, और अगर नहीं लिखा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नॉन रिपीटेशन का क्वेश्चन. तो यहाँ पर थ्री डिजिट नंबर बनाना है, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं हो सकता. अब पहले के लिए आपके पास यहाँ पर कितने ऑप्शन है 100 प्लेस को फिल करने के लिए, 3, 6, 7, 8, 9, यानी कुल मिलाकर आपके पास 6 ऑप्शन है. नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पर कितने काउंट कीजिए, 6 है. अगेन एक आपने 6 में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे फिल कर दिया, बाकी बचे टेंस के लिए आपके पास कितने, 5 ऑप्शन रहेंगे. एंड वंस के लिए जब आप टेंस को फिल कर देंगे तो एक और कम हो जाएगा, 4 ऑप्शन बचे. 100 प्लेस के लिए 6, टेंथ प्लेस के लिए एक कम हो जाएगा 5 ऑप्शन, और वंस प्लेस के लिए एक और कम हो जाएगा 4 ऑप्शन. और इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि नंबर कैसे बनेगा थ्री डिजिट, फर्स्ट फिल द टेंस देन एंड टेंस एंड वंस. ऐसा नहीं कि आप खाली 100 को प्लेस को फिल करें और क्या देंगे नंबर बन गया, नहीं, 100 प्लेस भी फिल करना है एंड टेंथ प्लेस भी एंड वंस प्लेस भी, इसीलिए यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आता है. तो यहाँ पर कितने हो गए, देर आर टोटल थ्री डिजिट नंबर इज 6 × 5 × 4, दिस विल कम आउट टू बी द 120 आपके हो गया. अब अगर आपको फोर डिजिट नंबर बनाना है तो फोर डिजिट नंबर जो सेकंड केस में था, फोर डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे आप फोर डिजिट नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर बनेगा कैसे, अगेन यहाँ पे फोर प्लेसेस को फिल करना होगा. वो फोर प्लेसेस क्या होंगे, वंस का होगा, टेंस का होगा, हंड्रेड का होगा, थाउजेंड का. वंस वाला, देन टेंस वाला, देन हंड्रेड वाला प्लेस, एंड देन थाउजेंड वाला प्लेस. अब जब आप यहां पर गए, अगेन यहां पे पास आपके पास ऑप्शन कितने, यही 6 ऑप्शन है. तो फर्स्ट प्लेस को जब आप फिल करेंगे 1000 को, आपके पास ऑप्शन 6 होंगे. जब 100 के पास आएंगे, 100 प्लेस को फिल करने के लिए ऑलरेडी एक आप फिल कर चुके हैं, तो आपके पास 5 बचेंगे. देन टेंस के लिए 4 बचेंगे, देन वंस के लिए 3 बचेंगे. तो अब इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, कितने फोर डिजिट नंबर आप फॉर्म कर सकते हैं. फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विल बी 6 × 5 × 4 × 3, 6 × 5 × 4 × 3, एंड दिस विल बिकम 360. आप यहां पे 360 नंबर्स यहां बना. अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और केस था, स्पेशल केस, फोर डिजिट इवन नंबर आपको बनाने हैं. फोर डिजिट इवन नंबर, दिस थर्ड में फोर डिजिट का इवन नंबर, फोर डिजिट इवन नंबर बना. अब इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका वंस प्लेस यानी लास्ट वाला डिजिट इवन हो. यानी अब यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया, नंबर तो बनाना है लेकिन इवन होना चाहिए. इस तरह के क्वेश्चंस को जब आपको कंडीशन दे दी जाए कुछ स्पेशल, वो रेस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन कहे जाते हैं.
यानी आपको दिस इज द 1000 प्लेस, तो पहले आप 1000, देन 100, देन 10s, देन 1s. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडीशन को फुलफिल करना है. कंडीशन क्या है? इवन नंबर होना चाहिए. और आपके पास ऑप्शन कितने ऑप्शन थे? 1, 3, 6, 7, 8, 9. 1, 3, 6, 7, 8, 9 इन ऑप्शंस के थ्रू आपका. तो पहले जो आपको कंडीशन दे दी गई वो इवन की है, तो पहले आप कंडीशन को ही फुलफिल करिए. और इवन कब हो सकता है? इवन तभी होगा जब उसका वंस प्लेस इवन होगा, तभी नंबर इवन कहा जा सकता. अदरवाइज अगर आप कोई ऐसा नंबर बना दे 3, 6, 8, 7, अब इसका वंस प्लेस क्या है? ऑड है, तो ये क्या होगा? ऑड नंबर होगा. तो ऐसा नंबर नहीं बनाना आपको. आपको ऐसे नंबर फॉर्म करना है जिसका वंस प्लेस इवन हो. अगर वंस इवन होगा तो नंबर भी इवन होगा. अब पहले वंस प्लेस को ही फिल कीजिए, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, कंडीशन आ जाती है, पहले आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं. तो वंस प्लेस इवन कौन कौन से आ सकते हैं? आप यहाँ पर 6 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं, और कोई नंबर नहीं रख सकते. ना तो 1, ये ऑड है, ना 3, ना 7, ना 9, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके. तो यहाँ पर करने के लिए 6 और 8 में से कोई एक दीजिए. तो यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शन. अब देखिए, आउट ऑफ टोटल जो 6 ऑप्शन है, यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आ चुका 6 और 8 में से कोई एक. बाकी बचा, से मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ, तो बाकी बचा 6, फिर से वहां चला जाएगा, यानी 1, 3, 7, 9. और इन 6 और 8 में से जो भी बचेगा फिर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे 5 ऑप्शन होंगे. नेक्स्ट जो है आपका 10s भरिए, यहाँ पर 5 ऑप्शन. देन उसके बाद 100 भरिए, 4 ऑप्शन. देन उसके बाद 1000 भरिए, 3 ऑप्शन. आपकी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है इवन नंबर की, वो आपने भर दिया. उसके बाद आप 10, 100, 1000 भरे या 1000, 100, 10s प्लेस भरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन में जैसे ये है, वहां पर आप क्या करेंगे? पहले कंडीशन को फुलफिल करेंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4-digit इवन नंबर्स, नंबर ऑफ 4-digit इवन नंबर्स इज इक्वल टू 3 × 4 × 5 × 2. लास्ट में 2 क्यों लिया स्टूडेंट? 2 ऑप्शन, क्योंकि इवन बनाना था. तो ये आ जाएगा 3, 4, 12 × 12, 60 × 62, 120. 4 डिजिट इवन नंबर बन सकते हैं. कौन कौन से डिजिट से? 1, 3, 6, 7, 8, 9. स्टूडेंट ये एक एग्जांपल था, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ सेम कंसेप्ट पर बेस्ड, ताकि आपको और क्लियर हो.